हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फार्मेसी अपडेट्स। हम आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं, एक ऐसी बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो आपके बहुत काम की है। तो हमारी इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें, तभी आप इस इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा पाएंगे। तो आपको बता दें कि यूपी गवर्नमेंट छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में कुछ बड़े बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। वह बड़ा बदलाव क्या है, उसके पहले आपको बता दें कि यह बड़े बदलाव का श्रेय समाज कल्याण विभाग को जाता है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने ही यह प्रस्ताव यूपी गवर्नमेंट के सामने रखा है। आइए अब बात करते हैं उस बड़े प्रस्ताव की। यूपी में स्कॉलरशिप एंड फी रीइंबर्समेंट की कैटेगरी में अभी तक केवल 2 लाख सालाना आय वाले समान वर्ग के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते थे, पर अब 2.5 लाख तक की एनुअल इनकम वाले जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को इस योजना का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और समाज कल्याण विभाग जल्द से जल्द ये प्रस्ताव यूपी गवर्नमेंट के सामने पूरी तैयारी से पेश करने वाला है। समाज कल्याण ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में बदलाव का निर्णय तब लिया जब पिछले वर्ष 2020-21 के लिए उनके पास में 660 करोड़ रुपए का फंड था और उन्होंने पिछले वर्ष 2020-21 में सामान्य वर्ग के सभी 5 लाख स्टूडेंट्स को योजना का लाभ दिया। उसके बाद में भी उनके फंड में 2 करोड़ रुपये शेष धनराशि बची हुई थी, जो कि बहुत बड़ी धनराशि थी। अधिकारियों का मानना है कि ऐसी स्थिति इसलिए भी आई क्योंकि कोरोना संकट के चलते आर्थिक तंगी के कारण स्टूडेंट के प्रवेश में भी कमी देखी गई। इसलिए समाज कल्याण निदेशालय ने योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों के परिवारों की सालाना आय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। जैसा कि हम सबको पता है कि वर्तमान में यह आय सीमा 2 लाख रुपये तक है। समाज कल्याण का कहना है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना तय है। समाज कल्याण निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका था। अब इस वर्ष नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा जा रहा है और बड़ी जानकारी यह है कि शासन ने ही इस प्रस्ताव की मांग की है, इसीलिए इसे मंजूरी मिलना भी तय माना जा रहा है। आज के लिए इतना ही, और आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, जो रखता है आपको अप टू डेट विद फार्मेसी अपडेट्स। और साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो और आपके काम आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहेंगे।